नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की अगली कड़ी में, जहां आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जनजातीय विकास के समक्ष चुनौतियों तथा उसके संभावित उपायों के बारे में। मैं हूं परितोष जायसवाल। विरासत किसी भी व्यक्ति या समूह की पहचान, एकजुटता, चेतना का बुनियादी स्रोत होता है। छत्तीसगढ़ का जनजातीय समुदाय हमेशा लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है। छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदायों की जड़ें प्रकृति, परंपरागत बोलचाल, स्थानीय उद्यमिता तथा रोजगार एवं लोक संस्कृति के साथ बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है। जहां एक ओर ये जनजातीय समुदाय अपने देसी रहन सहन और मान्यताओं के बल पर आधुनिक जीवन शैली और भौतिक संसाधन को चुनौती दे रहे हैं, वहीं अपनी विशिष्ट पहचान और स्थापित सामाजिक व्यवस्था का दम भरते हुए परंपरागत सामाजिक अन्याय और हर प्रकार से शोषण का प्रतिउत्तर भी दे रहे हैं। दुर्भाग्य से देशज समुदायों के जीवन, आजीविका और व्यवहार से जुड़े इन पारंपरिक तौर तरीकों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार अनेक कारकों में इन लोगों के अधिकारों को मान्यता और संरक्षण ना दिया जाना है तथा इन्हें अलग थलग रखने वाली सरकारी नीतियां और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के समस्त जनजातीय समुदाय में अनूठी पारंपरिक ज्ञान प्रणालियां, कला और शिल्पों के साथ घनिष्ठ आपसी संबंध और इन सभी में प्रकृति के प्रति गहरा अनुराग होता है। जहां एक ओर विश्व 2030 तक धारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ऐसे सैकड़ों देशज समुदाय हैं जो अपने प्राकृतिक तरीकों से जीवन यापन करते हुए सांस्कृतिक ज्ञान और विवेक सम्मत जीवन जी रहे हैं। आदिवासी समुदाय की विशेषता मनुष्य, प्रकृति और संस्कृति के बीच सजग संतुलन को समझते हुए प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित तथा संजोकर रखे हुए हैं। इस पूरे ऑडियो आर्टिकल का सार प्रारंभ में ही आज भी वैसी कविता के रचनाकार श्री लक्ष्मण सिंह कांवड़े के शब्दों में है कि सदियां बीत गईं विकास के नाम पर, आदिवासी उपेक्षित जीवन जी रहे बीहड़ अबूझमाड़ के जंगलों में भूखे और नंगे आज भी। आज इस ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे जनजाति तथा जनजातीय विकास के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को दूर करने के लिए कौन से प्रयास किए जा सकते हैं, जनजातीय उपयोजना क्या है। इसके अलावा चर्चा करेंगे आदिवासी विकास के पंचशील सिद्धांत, शिलु आओ समिति, विद्यार्थी समिति, लोकुर तथा खाखा समिति के बारे में भी। एक चर्चा करेंगे आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर के बारे में भी। एक संक्षिप्त चर्चा होगी PVTGs के समेकित विकास के लिए मुख्यमंत्री के 11 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में भी। जानेंगे क्या है आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण तथा इसके उद्देश्य। अंत में एक सकारात्मक उपसंहार के साथ चर्चा को विराम देंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि जनजातियों तथा जनजातीय विकास के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं। आदिवासी या जनजातीय विकास के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं, इसके कई जवाब हो सकते हैं। पहला, छत्तीसगढ़ सघन और प्राचीन आदिवासी क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ की पहचान उसके जंगल और आदिवासियों से है, परंतु विगत कुछ वर्षों से कोयला, लोहा आदि खनिजों के उत्खनन तथा इस्पात एवं बिजली संयंत्रों के कारण आदिवासियों का जीवन संकट में आ गया है। इन संयंत्रों के लगने से विस्थापन सुनिश्चित हो जाता है, जबकि हमें यह ध्यान रखना होगा कि आदिवासी समाज अपनी जड़ों से जुड़कर ही अपना विकास चाहता है। दूसरा, बस्तर संभाग के समस्त जिले जहां नक्सलवाद के कारण आदिवासियों का जीवन दुभर हो गया है, वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में खनिज संसाधनों के दोहन तथा सरकारी उपेक्षा के कारण आदिवासी समाज के समक्ष खतरा उत्पन्न हो गया है। तीसरा, आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता, आत्मसम्मान, संस्कृति और विकास ऐसे मुद्दे हैं जिन पर राजनीतिक चिंतन अपेक्षित है, जबकि प्रदेश की राजनीति दुखद रूप से इन्हीं के चारों ओर घूमती है। आदिवासी समाज बहुत लंबे समय तक अपनी ही दुनिया में स्वायत्त और स्वावलंबी जीवन जीता आया है, जिसके पीछे अस्मिता और आत्मसम्मान की समृद्ध परंपरा रही है। चौथा, आदिवासी समुदाय का एक संकट यह भी है कि जंगल के इलाकों में रहने के कारण आमतौर पर सरकार संचालित योजनाएं इन तक नहीं पहुंच पाती,
कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की रोजगार गारंटी योजना सहित दूसरी योजनाओं से ये आदिवासी कोसों दूर हैं। पांचवा, जनजातीय विकास में स्वास्थ्यगत चुनौतियां भी मुंह बाए खड़ी है। जहां एक ओर इन क्षेत्रों में नशा, शराब और तंबाकू बहुत अधिक है, वहीं सिकल सेल जैसे वंशानुगत रोग और कुपोषण से एनीमिया, मलेरिया तथा फाइलेरिया आदि बीमारियां भी अन्य चुनौतियां हैं। छठवां, रामनाथ नायक ने अपनी पुस्तक पॉलिसीज फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट में दावा करते हैं कि आदिवासियों को आज भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आदिवासी समुदायों को अभी भी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सातवां, पीके मोहंती अपने ग्रंथ प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट इन इंडिया में आदिम जनजातीय समूहों के विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। लिखते हैं कि विकास कार्यक्रम न्यूनाधिक रूप से परिवर्तन लाते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से सरकार या स्वैच्छिक संगठन पर आधारित है। इसमें लक्षित समूहों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, जिससे विकास तथा परिवर्तन आसानी से हो सकेंगे। आठवां, राजनांदगांव के आदिवासियों पर शोध प्रस्तुत करने वाले श्री डीपी कुर्रे कहते हैं कि आदिवासियों की तुलना में गैर आदिवासी विकास कार्यक्रमों का अधिक लाभ ले रहे हैं। इस कारण से ये आदिवासी आर्थिक रूप से अधिक पिछड़ते जा रहे हैं। नौवां, समाज सेवी तथा शिक्षा शास्त्री सावित्री विल्थर आदिम क्षेत्रों में यातायात की नितांत कमी को आदिवासी समुदायों के वंचन का मुख्य कारण मानती हैं। दसवां, चंद्रमोहन पालीवाल 1975 में अपनी रचना आदिवासी हरिजन तथा उनकी आर्थिक ऋणग्रस्तता में यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में ऋण वितरण के संस्थागत संस्थानों की बहुत कमी है। निजी व्यक्तियों के द्वारा दिया गया कर्ज बहुत ही कठोर तथा गैर कानूनी होता है। ग्यारहवां, कृष्ण कुमार झा ने अपने शोध ग्रंथ बस्तर की जनजातियों की शिक्षा का विश्लेषणात्मक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि बस्तर की जनजातियां सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिगत कारणों से शिक्षा के प्रति रुचि नहीं ले पाती हैं। इन्हें औद्योगिक शिक्षा की जरूरत है। बारहवां, आदिवासी विकास एक सैद्धांतिक विवेचन के लेखक श्री बी डी शर्मा आदिवासी क्षेत्र में विकास की चुनौतियों के लिए संचार एवं परिवहन साधनों के अभाव को एक बड़ा कारण मानते हैं। संचार, सूचना तथा परिवहन के अभाव में आज भी इन्हें अपने वनोपज सस्ती कीमतों पर स्थानीय व्यापारियों को औने पौने दाम पर बेचने पड़ते हैं। तेरहवां, इन सभी चुनौतियों के अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी समस्याएं, सामाजिक एवं मानसिक समस्याएं, मूल निवासी पहचान की क्षरण, विकास के नाम पर विस्थापन, शैक्षिक असमानता, प्रशासन द्वारा जनजातियों की अस्वीकृति आदि भी जनजातीय तथा जनजातीय विकास के समक्ष चुनौतियों के अन्य कारण हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि जनजातीय विकास के लिए कौन से सरकारी प्रयास या निजी प्रयास किए जा सकते हैं। आदिवासी सामुदायिक व्यवहारों की सुंदरता, उनकी मिल बांटने एवं सबके लिए आदर की संस्कृति, गूढ़ विनम्रता, प्रकृति प्रेम तथा सबसे ऊपर उनकी समानता तथा नागरिक समन्वय की गहन अनुरक्ति से देश बहुत कुछ सीख सकता है। जनजातीय विकास के लिए सरकारी और गैर सरकारी प्रयास जो प्रस्तावित हो सकते हैं निम्न प्रकार से हैं। पहला, आदिवासी लोगों की आजीविका में सुधार करने और उनके सशक्तिकरण के लिए ट्राइफेड के साथ भागीदारी को बढ़ाया जाना सुनिश्चित किया जा सकता है। दूसरा, आधुनिक कथा कथित विकसित एवं सभ्य समाज के लोग जनजातियों के विकास और कल्याण के नाम पर जनजातियों, उनके क्षेत्रों और निजी जीवन में बलात् प्रवेश कर जाते हैं। इन्हें युक्तिसंगत तथा तर्कयुक्त बनाया जाना चाहिए। तीसरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अतिरिक्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। चूंकि इन क्षेत्रों में नशा, शराब और तंबाकू का सेवन आम प्रचलन में है, के अलावा मलेरिया, फाइलेरिया, सिकल सेल जैसी बीमारियां भी आम हैं। एक पुरानी कहावत ज्ञात है जो कहता है कि जान है तो जहान है। ये परिप्रेक्ष्य में जनजातीय विकास की पहली सीढ़ी स्वास्थ्यगत क्षेत्र में सुधार होना चाहिए। चौथा, आदिवासियों को वन उद्यमी के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है, जिसके लिए वनों के वाणिज्यीकरण को संरचनागत रूप देने के लिए वन विकास निगमों के पुनरुद्धार की आवश्यकता है। पांचवा, सरकार औषधीय पौधों की पहचान और उनके संग्रहण आदि के लिए आदिवासी समूहों के साथ सहयोग कर सकती है, जिससे वोकल फॉर लोकल से एक चरण आगे बढ़ते हुए लोकल टू ग्लोबल की अवधारणा विकसित की जा सकती है। छठवां, आज पूरा विश्व डिजिटाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहा है। शैक्षिक और डिजिटल क्षमता को बढ़ाने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में
डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे जनजातियों को विकास की मुख्य धारा में लाने में सहायता मिल सकती है। सातवां, आज जनजातियों में राजनीतिक असंतोष बढ़ता जा रहा है। जनजातियों में राजनीतिक असंतोष को रोकने के लिए वर्तमान में एक व्यापक और व्यवहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आठवां, जनजातियों की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में सचल चिकित्सालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए। जनजातीय गांवों में पीने का स्वच्छ पानी की व्यवस्था, स्वास्थ्य के नियमों से परिचय तथा प्रशिक्षण देना भी आवश्यक है। नौवां, जनजातियों की शैक्षणिक समस्याओं के निराकरण के लिए जनजातीय क्षेत्रों में व्यवहारिक शिक्षा की बहुत महत्व आवश्यकता है। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं का विस्तार करना भी आवश्यक है। दसवां, जनजातियों की सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए यह जरूरी है कि जनजातीय नेताओं की सहायता से लोगों के विचारों और मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाए। ग्यारहवां, समाजशास्त्री एल्विन जनजातीय विकास के लिए सबसे जरूरी उनकी संस्कृति की सुरक्षा करना मानते हैं। ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए कि जनजातीय क्षेत्रों में केवल उन्हीं अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए जो उनकी भाषा और संस्कृति से परिचित हों। बारहवां, जनजातियों के आर्थिक पिछड़ापन को दूर करने के लिए जनजातीय ग्रामों में सहकारी समितियों की स्थापना, उचित मजदूरी दर, ठेकेदारों तथा वन अधिकारियों द्वारा शोषण से उन्मुक्ति आदि से उनकी आर्थिक स्थिति को भी सुधारा जा सकता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि जनजातीय उपयोजना क्या है। 1972 में श्री एससी दुबे की अध्यक्षता में शिक्षा और समाज कल्याण विभाग द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान एक नई रणनीति तैयार करने की सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। इस रणनीति को जनजातीय उपयोजना के नाम से जाना जाता है। रंगनाथन समिति के अनुसार जनजातीय उपयोजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की योजना के दायरे में आदिवासियों के कल्याण और विकास के लिए योजना तैयार करना राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की समग्र योजना का हिस्सा है, इसलिए इसे उपयोजना कहा जाता है। दूसरा, जनजातीय उपयोजना के तहत प्रदान की गई धनराशि संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की आबादी के अनुपात में कम से कम बराबर होनी चाहिए। तीसरा, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की समग्र योजना के अनुसार जनजातीय उपयोजना TSP के तहत लाभ दिया जाता है। चौथा, जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों के लिए संसाधनों की पहचान करती है, विकास के लिए व्यापक नीतिगत रूप रेखा तैयार करती है तथा इसके कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक रणनीति को तैयार करती है। पांचवा, जनजातीय उपयोजना के दीर्घकालीन उद्देश्य आदिवासी और अन्य क्षेत्रों के विकास के अंतर को कम करना है और आदिवासी समुदायों की गुणवत्ता में सुधार लाना है। छठवां, जनजातीय उपयोजना या TSP प्रत्येक राज्य के लिए समग्र योजना का हिस्सा है, इसके लिए धन राज्य के कोषागारों के साथ विशेष केंद्रीय सहायता केंद्र सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों एवं संस्थागत संगठनों से आता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि आदिवासी विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा कौन सी समितियों का गठन किया गया है। वेरियर एल्विन ने अपनी पुस्तक फिलोसफी फॉर नेफा के प्राकथन में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू के कुछ सिद्धांतों का उल्लेख किया, जिसके आधार पर भारत में अनुसूचित जातियों का विकास होना था। यह सिद्धांत बाद में आदिवासी विकास के पंचशील सिद्धांत कहलाए। आइए देखते हैं कि आदिवासी विकास का पंचशील सिद्धांत क्या है। भारत के संविधान ने अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और समग्र विकास के लिए कई प्रावधान किए हैं। 1952 में तत्कालीन नेहरू सरकार की पंचशील नीति ने आदिवासी कल्याण हेतु प्रशासन के मार्गदर्शन के लिए 5 सिद्धांत तय किए, जो निम्न प्रकार से थे। पहला, आदिवासियों को उनकी प्रतिभा के अनुसार विकास करने देना चाहिए। दूसरा, भूमि और जंगल में आदिवासियों के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। तीसरा, बहुत से बाहरी लोगों को शामिल किए बिना जनजातीय टीमों को प्रशासन और विकास के कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। चौथा, आदिवासी क्षेत्रों की सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के विरुद्ध गए बिना संजन जनजातीय विकास किया जाना। पांचवा, आदिवासी विकास का मूल्यांकन का आधार उनके जीवन की गुणवत्ता होनी चाहिए, ना कि खर्च किया गया धन।
दूसरा शिलुआ समिति। तृतीय पंचवर्षीय योजना तक आदिवासी विकास संबंधी योजनाओं की समीक्षा के पश्चात भविष्य के आदिवासी विकास कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शिलुआ महोदय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इनकी रिपोर्ट में आदिवासी विकास खंडों की उन सीमितताओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया जो आदिवासियों के विकास में समस्या उत्पन्न कर रही थी। आदिवासियों की मुख्य समस्याओं यथा ऋणग्रस्तता, भूमि वंचन, शैक्षणिक पिछड़ापन और संचार माध्यमों को शामिल किया गया था। इस रिपोर्ट में ढेबर कमीशन की सिफारिशों को क्रियान्वित किए जाने पर बल दिया गया। साथ ही आदिवासियों के विकास हेतु व्यापक स्तर पर ऐसे कार्यक्रमों को गठित करने पर भी जोर दिया गया था जो उनकी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो। तीसरा, विद्यार्थी समिति। 1972 में योजना आयोग ने LP विद्यार्थी के साथ जनजातीय क्षेत्रों के विकास पर एक टास्क फोर्स की स्थापना की। टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा क्रमिक योजनाओं में आदिवासी विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के बावजूद औद्योगिकीकरण, साक्षरता के निम्न स्तर, खराब स्वास्थ्य और पोषण आदि को हल नहीं किया गया था। चौथा, लोकुर समिति। लोकुर समिति का गठन 1965 को किया गया जिसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने के मानदंड पर विचार करने के लिए किया गया था। समिति ने उनकी पहचान करने के लिए 5 मानदंडों यथा आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में संकोच और पिछड़ापन की सिफारिश की थी। पांचवा, खाखा समिति। प्रधानमंत्री कार्यालय ने वर्ष 2013 में प्रोफेसर वर्जीनियस खाखा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। समिति को जनजातीय समुदायों की समाज, आर्थिक, शैक्षिक और स्वास्थ्यगत स्थिति की जांच करने और उसमें सुधार के लिए उपयुक्त हस्तक्षेपकारी उपायों की सिफारिश करने का कार्यभार सौंपा गया। समिति ने मई 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। खाखा समिति ने 5 महत्वपूर्ण मुद्दों यथा आजीविका एवं रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनैच्छिक विस्थापन और प्रवासन तथा अनैच्छिक विस्थापन तथा प्रवासन एवं विधिक एवं संवैधानिक मामलों का अध्ययन किया था। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर क्या है तथा इसके प्रमुख कार्य क्या हैं। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना के निर्माण के समय अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियां की सामाजिक आर्थिक स्थिति, इनके रीति रिवाज, रहन सहन तथा अन्य सांस्कृतिक एवं अनुसंधानिक तथ्यों के अभाव में इन वर्गों के विकास हेतु योजना बनाने में कठिनाई महसूस हुई। इसे ही ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पुराने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों को केंद्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत आदिम जाति अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुशंसा अनुसार देश के 15वें आदिम जाति अनुसंधान संस्थान के रूप में आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर का गठन राज्य शासन द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत दिनांक 2 सितंबर 2004 को किया गया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव स्तर के अधिकारी को संचालक का पद दिया जाता है। आइए देखते हैं कि संस्थान के प्रमुख कार्य क्या हैं। पहला, अनुसूचित जनजातियों संबंधी आधारभूत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अध्ययन एवं सर्वेक्षण करना। दूसरा, अनुसूचित जनजातियों में व्याप्त समस्याओं का अध्ययन कर इनके निराकरण करने हेतु शासन को सुझाव देना। तीसरा, अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का मूल्यांकन करना। चौथा, अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए प्राप्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में प्रार्थी जातियों का एथनोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल परीक्षण को शासन को अभिमत प्रदान करना तथा जनजातीय लक्षण प्राप्त होने की सूचना देना। पांचवा, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार प्रमुख सचिव, सचिव छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति विकास विभाग की अध्यक्षता एवं संचालक आदिम जाति अनुसंधान संसाधन की उपाध्यक्षता में जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति गठित की गई जो एक क्वाशी जुडिशियल स्टेटस लिए हुए है। छठवां, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जिन्होंने वर्षों पहले
फर्जी प्रमाण पत्र दाखिल कर नौकरी की पात्रता हासिल कर ली थी। जांच के पश्चात उन्हें पदच्युत करने तथा अपनी अन्य सिफारिशें प्रदान करना है। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के समेकित विकास हेतु मुख्यमंत्री का 11 सूत्री कार्यक्रम क्या है। प्रदेश ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह जैसे अबु झमड़िया, कमार, पहाड़ी कोरवा, बैगा, पिरहोर, पंडो एवं भुंजिया को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने तथा इनके समेकित विकास हेतु मुख्यमंत्री 11 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 2015 में की। इस कार्यक्रम को विभिन्न विभागों की योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। पहला, आवास इन परिवारों के लिए आवास। इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के आवासहीन परिवारों के लिए आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का क्रियान्वयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाता है। दूसरा, पेयजल विहीन ग्रामों में पेयजल की उपलब्धता। इस योजना के अंतर्गत पेयजल विहीन ग्रामों में प्रत्येक ग्राम में 2 हैंडपंप स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाता है। तीसरा, विद्युत विहीन ग्रामों का विद्युतीकरण। इस योजना के अंतर्गत पीवीटीजी निवासरत विद्युत विहीन ग्रामों अथवा बसाहटों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का क्रियान्वयन CSPDCL तथा क्रेडा के माध्यम से किया जा रहा है। चौथा, स्वास्थ्य परीक्षण। स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्रियान्वित इस योजना के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण तथा हेल्थ कार्ड एवं स्मार्ट कार्ड बनाया जा रहा है। पांचवा, खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत पीवीटीजीस के 54,732 परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का संचालन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा किया जा रहा है। छठवां, पोषण आहार प्रदाय की सुनिश्चितता। 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को तथा गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माताओं को निःशुल्क पोषण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है। सातवां, कौशल उन्नयन। इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार एक व्यक्ति के मान से 52,432 हितग्राहियों को कौशल उन्नयन एवं स्वरोजगार हेतु तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस योजना का क्रियान्वयन तकनीकी शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। आठवां, सामाजिक सुरक्षा। 57,432 परिवारों को सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें बीमा योजना, जनधन योजना, समाज कल्याण विभाग की योजनाएं शामिल है। नौवां, वन अधिकार पत्र का वितरण। 2,101 ग्रामों के हितग्राही परिवारों को पात्रता अनुसार वन अधिकार पत्र का वितरण राजस्व तथा वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। दसवां, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र का वितरण। इस योजना के अंतर्गत पीवीटीजीस के सभी 2,23,000 व्यक्तियों को निःशुल्क जाति एवं निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का क्रियान्वयन राजस्व तथा शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। ग्यारहवां, सूचना जागरूकता हेतु रेडियो तथा दैनंदिन आवश्यकता हेतु छाता एवं कंबल प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत पीवीटीजीस परिवारों में प्रत्येक परिवार को एक रेडियो, छाता एवं कंबल अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग द्वारा तथा वन विभाग कैंपा के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि क्या है आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के तत्काल पश्चात राज्य शासन द्वारा यह अनुभव किया गया कि राज्य के आदिवासी अंचल एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विकास प्राधिकरण का गठन किया जाए। 26 अगस्त 2020 को इस प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया है, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला, बस्तर क्षेत्र के लिए, दूसरा सरगुजा के लिए, तीसरा मध्य क्षेत्र के लिए और चौथा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण। आइए देखते हैं कि इनके उद्देश्य क्या है। पहला, आदिवासी विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत प्राधिकरण क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जनजातीय समुदाय के विकास हेतु अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक योजनाओं का निर्माण, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण किया जाना। दूसरा, क्षेत्र में निवासरत जनजातीय समुदायों के आर्थिक विकास, संस्कृति संरक्षण, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तथा अंचल के विकास हेतु प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करना। तीसरा,
अनुसूचित जनजाति के साथ अनुसूचित जाति क्षेत्रों में भी उपरोक्त कार्यों का समाकलन करना। आइए दोस्तों देखते हैं कि इन विभिन्न विकास प्राधिकरणों की विशेषताएं क्या है। पहला, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण। इस प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र बस्तर संभाग के 7 जिलों तक है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव आयुक्त बस्तर संभाग तथा मुख्यालय जगदलपुर में है। दूसरा, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण। इस प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र सरगुजा संभाग के सभी राजस्व जिलों जिसमें सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया है शामिल है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव आयुक्त सरगुजा संभाग तथा मुख्यालय अंबिकापुर में है। तीसरा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण। इस प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र संपूर्ण राजस्व जिला कोरबा के अतिरिक्त गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, बलौदा बाजार, बालौद, राजनांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर तथा रायपुर के आंशिक क्षेत्र जो आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में शामिल हैं। इस प्राधिकरण के सदस्य सचिव आयुक्त रायपुर संभाग तथा मुख्यालय रायपुर में है। चौथा, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण। इस प्राधिकरण का संपूर्ण कार्य क्षेत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य है। वह दिन अब दूर नहीं जब हरियाली और वन संपदा अर्थव्यवस्थाओं और देशों की पहचान के सबसे प्रमुख मानदंड होंगे। जिसके पास जितनी ज्यादा हरियाली होगी वह उतना ही अमीर कहलाएगा। यही वह दिन होगा जब हम आदिजन के योगदान की कीमत समझ पाएंगे। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधताओं में आदिजनों की संस्कृति का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आदि संस्कृति प्रकृति पूजा की संस्कृति है। विवेक से भरे पूरे लोग संस्कृति के संरक्षक और संवाहक, प्रकृति प्रदत्त ज्ञान की प्रस्तोता, आदिवासी समाज सरकार के संकल्प विजय होने की जीवटता और आधुनिक विश्व के साथ कदम ताल करने की इच्छा के साथ आगे बढ़ रहा है। आदिजनों का व्यवहार गांधीवादी चिंतन तथा बिरसा मुंडा के पराक्रम का मिला जुला रूप है। विकास की ओर से हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि ज्ञान के अनुभव का संक्रमण लगातार होता जा रहा है। यदि आदिवासी समाज आधुनिक विश्व की चीजों को समझ नहीं पा रहा, अन्यथा अपनाना नहीं चाहता, तो हमें यह चाहिए कि हम उनके रीति रिवाजों, मान्यताओं, संस्कृति को न सिर्फ स्वीकार करें बल्कि आदिवासी कल्याण के एक रूप में भी इसे शामिल करें। वर्तमान संदर्भों में आदिवासियों की आर्थिक और शैक्षिक स्थिति में सुधार आया है। शिक्षा, साक्षरता, स्वास्थ्य आदि के प्रचार प्रसार से वे काफी जागरूक हुए हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए विभिन्न सरकारी सेवाओं में उच्च पदों पर आसीन हैं। यह मानना होगा कि वे अपने जीवन धारा को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। आदिवासियों के अस्तित्व तथा अस्मिता की रक्षा के लिए जरूरी है उनकी भाषा, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, सामूहिक जीवन शैली आदि में बिना व्यवधान डाले उनकी उन्नति के लिए काम किया जाए। आदिजनों को शिक्षित कर उन्हें संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करके आत्मनिर्णय तथा स्वशासन का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे सदियों से हाशियों पर रहा यह समाज विकास की परंपरा में अपनी सक्रिय सहभागिता के साथ अपना स्थान भी सुनिश्चित कर सके। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।